लॉ स्ट्रीट में हमने आपको बताया था कि कैसे गुजरात दंगा पीड़ितों के नाम पर विदेशों से पैसा बटोरने वाली तिस्ता से जब उन पैसों का हिसाब मांगा गया तो बदले में महंगे होटल के बिल और महंगी शराब के बिल की कहानी सामने आई थी। लॉ स्ट्रीट में हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे खुद गुजरात दंगा पीड़ितों ने तिस्ता की शिकायत पुलिस को ये कहते हुए की कि तिस्ता उनके हक के पैसे उन्हें नहीं दे रही है, न ही उन पैसों से उनके पुनर्वास का काम कर रही है। जल्द ही हम आपके सामने उन तथ्यों को रखेंगे जिसे देखकर आप भी एक बार को सोच में पड़ जाएंगे कि तिस्ता के इस काम को सम्मानित कैसे सरकार कर सकती है। शुरुआत करते हैं और थोड़े से इंट्रो में हम आपको तिस्ता के फर्जी संस्था के बारे में बताते हैं जिसे सिर्फ देश और देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए खास उस वक्त बनाया गया था जब गुजरात दंगे हो रहे थे। इस दंगों की आग में घी डालने का काम तिस्ता की ये सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस का गठन किया गया। दिन था 1 अप्रैल और साल था 2002। अब आपको बताते हैं कि तिस्ता के अलावा इस संस्था की शुरुआत करने में और कौन कौन खुराफाती दिमाग शामिल थे। तो पहला नाम है सैंड्रिक प्रकाश, प्रसिद्ध पत्रकार अनिल धारकर, एलिक पद्मसी, जावेद अख्तर, विजय तेंदुलकर और एक्टर राहुल बोस जैसी बड़ी और फिल्मी हस्तियों के साथ मिलकर इसे शुरू किया गया था। हालांकि गूगल करके इस संस्था को खोलने का क्या टारगेट था ये आप पढ़ेंगे तो आपको इन्हीं फिल्मी हस्तियों की तरह इसका मकसद भी फिल्मी सा ही लगेगा। लेकिन असली मांग तो यहां सिर्फ देश के प्रधानमंत्री पर अपराध शामिल करके मुकदमा चलाने, देश की छवि बर्बाद करके और मौजूदा सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी फंडिंग इकट्ठा करने का था। अब ये भी जान लीजिए कि कौन है तिस्ता सीतलवाड़ के पति, जिस बंटी बबली के इस जोड़ी ने कैसे देश को बेच खाने का प्लान बनाया था। तो तिस्ता के पति जावेद आनंद पढ़े लिखे हैं, वो बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास आउट है। लेकिन मुंबई दंगे और बाबरी विध्वंस के बाद देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल बना उसके बाद बाकायदा ये कपल मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गया और देश में फैले सांप्रदायिक असंतोष को रोकने और उसे कम करने के बजाय उसे और भड़काने की दलाली करने में लग गया। जानकारों की माने तो तिस्ता और उसके पति को मोदी और बीजेपी के खिलाफ एजेंडा फैलाने के लिए जो रकम मिली थी वो 1.5 करोड़ रुपए की थी। साल 1999 में दी है अपने इंटरव्यू में जावेद आनंद ने ये खुद स्वीकार किया था कि उन लोगों को कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने वाले विज्ञापन चलाने के लिए पैसे देती थी। खैर, कहावत है ना कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते, तो तिस्ता और उसकी संस्था पर भी कानूनी गाजगिरी जो कि पहली बार साल 2014 में थी, जो कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ओर से था। लेकिन इसमें कैसे और किसने किया था तिस्ता का पर्दाफाश, क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट का, ये बताएंगे आपको तिस्ता के काले कारनामों की अगली कड़ी में। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।